हाँ जी भाई, अमरजोत बोल रहा हूँ, बताएं क्या नाम है आपका? अंकुर, क्या नाम है? हाँ यस सर, सर अंकुर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर अंकुर अंकुर, बताएं दिल्ली से क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी समस्या है? सर, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं कैसे वर्क परमिट अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, जानना चाहता हूँ। सर क्योंकि जी मेरी ये कंसल्टेंसी से बात हुई है कि वो कहते हैं कि हमें 10,000 दे दो, 30,000 दे दो, उसके बाद इस हम सर आपका ऑफर लेटर अरेंज करा देंगे, उसके बाद 2-3 महीने बाद LMIA दिला देंगे, उसके बाद ऐसे मतलब प्रोसीजर बताया है। सर क्या जी, ये हम सही है? मेरे कम से कम 20-25 ऐसे वीडियोस बने हुए हैं इस बारे में, आपने देखे नहीं? उसमें सब बताया गया है कि कैसे करना है, कैसे चेक करें और क्या क्या सवाल पूछने हैं, तो आपने शायद देखे नहीं है। अगर नहीं देखे तो आप जाके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जैसा धोखा वो है। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब ऑनलाइन नहीं कर सकते हम, ऑनलाइन अगर खुद से ही करना चाहें क्या करोगे ऑनलाइन अपने आप? वर्क परमिट अप्लाई अगर करें। कर लो अप्लाई, वर्क परमिट कर लो अपना, ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन में आपके पास जॉब है, आपके पास नौकरी है, मतलब उसके उससे पहले ऑफर लेटर अरेंज कराना पड़ेगा हमें वहीं से और किसी से। क्या। अच्छा अगर नौकरी का ऑफर ही नहीं हो तो अप्लाई क्या किस बात करोगे भाई? अच्छा और आईलेट्स इसके लिए नीडफुल होती है, मैंडेटरी है आईलेट्स इसके लिए सर, जॉब क्या है? जॉब मेंटेनेंस मेंटेनेंस के लिए नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए नहीं है। मेंटेनेंस के नहीं लिए होती। हाँ वो बता रहे थे कि भाई मेंटेनेंस के लिए नहीं है मतलब। मेंटेनेंस में क्या इंग्लिश स्पीकिंग करोगे? थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। और और ये बताएं, पेमेंट पेमेंट जो लेते हैं सर, ये रजिस्ट्रेशन की ऐसे ऐसे बोल के ये सब ऐसे ही ले रहे हैं सब वो उनकी मर्जी है, वो आईलेट्स। जितना जितना मर्जी जिसका खून चूसना चाहे वो ले सकते हैं उनसे। अब पता नहीं क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जो भी इनका जो भी इनका वो है, लोग दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, अच्छा सर, और एक चीज ये एडवर्टाइज है कि ऐसे तो हो नहीं सकता ना, विदाउट पासपोर्ट कोई अप्लाई करा सकता है कोई? बगैर पासपोर्ट क्या वर्क परमिट? वर्क परमिट की नहीं नहीं अप्लाई, नहीं उसके बिना नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता ना सर। नहीं 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 उसके बिना नहीं हो सकता। कैसे वीजा कैसे मिलेगा भाई पासपोर्ट बिना? नहीं ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे आपका विदाउट पासपोर्ट ही, एप्लीकेशन नंबर जो है उसी से कर लेंगे बस वो ऐसा भी। दुकान दुकानदारी है, पैसा कमाना चाहते हैं बस। वो अच्छा ठीक, बस सर मेरे को यही चीज़ क्लियर करनी थी आपसे, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देखी थी ना, तो मेरे हाँ को वो लगा था कि हाँ सर से बात करनी चाहिए एक बार, बहुत इंस्पायर हुआ हाँ सर आपसे। मतलब अच्छी बहुत यूथ को आपने बहुत सही कर दिया, गाइडलाइंस बहुत अच्छी बात, दे रहे हो आप, हाँ ये बहुत अच्छी दे रहे हो। थैंक यू थैंक यू, अच्छी बात है। थैंक यू सर, बाकी सर थैंक थैंक यू, बस थैंक यू। यू ओके वेरी भाई मच। भाई, थैंक यू। ओके।